हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ एंड व्लॉग्स। मैं आपका दोस्त पंकज आपको इस वीडियो में आज कंप्लीट दुर्गा पूजा दिखाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मूर्ति लाने, पास में ही है एक मूर्ति, आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं जा रहा है, और बस थोड़ी देर में ही हम लोग पहुँच जाएंगे। सारे बंदे पीछे हैं, आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आमतौर पर पंचमी को दुर्गा मूर्ति को पंडाल में लाया जाता है। मूर्ति लेने जाने का अपना ही आनंद है और सभी इस दौरान पूरा एंजॉय भी करते हैं। जहां से मूर्ति लेना है वो स्थान पास में ही होने के कारण हम बहुत जल्दी वहां पहुंच गए। ये जो पहला मूर्ति आप देख रहे हैं, इसी मूर्ति को हम अपने पूजा मंडप में ले जाएंगे। सभी धीरे धीरे मूर्ति को बाहर हमारी गाड़ी तक ले जाने के काम में बड़े ही सावधानी से लग गए। बाहर ले आने के बाद सभी ने जोर से जयकारा लगाते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ मूर्ति को ट्रक पर चढ़ा दिया। फिर एक एक कर बाकी चार मूर्तियों को भी हम ट्रक पर चढ़ाने लगे। यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा मूर्ति के साथ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देव सेनापति कार्तिक और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के मूर्तियों को भी मंडप में लाया जाता है। अभी हम लोग मूर्ति ले चुके हैं और अपने पूजा मंडप के लिए भर रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे हम अपने मंडप की तरफ बढ़ते हुए और बहुत जल्दी हम अपने मंडप पर पहुंच गए, जहां उमा के स्वागत के लिए पहले से सभी उपस्थित थे। फिर एक एक कर चारों छोटी मूर्तियों को मंडप पर हमने उतार लिया। अब बारी था दुर्गा मूर्ति का। शंख ध्वनि के बीच सभी ने भगवती का नाम लेते हुए दुर्गा मूर्ति को उठाया और पूजा मंडप पर स्थापित कर दिया। थोड़ा बहुत सजावट का काम जो बाकी था, कारीगर आकर उस काम में लग गए। थोड़ी देर में ही उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया और ये देखिए, हमारे मंदिर में स्थापित दुर्गा मूर्ति जैसे जीवंत हो उठी। आइए अब छम्मी या कहें षष्ठी के दृश्यों को देखते हैं। हमने अपने पूजा मंडप में बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन रखा है, जिसमें ढेर सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों द्वारा बनाया गया ड्राइंग मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उससे पहले छम्मी को हो रहे पूजा को देखते हैं। सबसे पहले देवी दुर्गा के प्रतिमा को अलग अलग जेवरों से सजाया जा रहा है। छम्मी के दिन बेल के पेड़ के नीचे पूजा किया जाता है। बेल का पेड़ ना होने पर बेल के लकड़ी के पास भी पूजा किया जा सकता है।
इस दिन गणेश जी का कलश स्थापित होता है और साथ ही नवपत्रिका, जो कि माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, उनका पूजा किया जाता है। ये जाग प्रदीप है, ये दसवीं तक यूं ही जलता रहेगा। नवपत्रिका के बारे में बता दूं, केला के पेड़ के साथ अलग अलग पेड़ या उसके डाल को बांधा जाता है, जैसे हल्दी का पेड़, धान का पेड़, बेल का डाल आदि, और फिर उसे पीला साड़ी से ढक दिया जाता है। इसे बंगला में कोला बहू भी कहते हैं। आइए अब सप्तमी के तरफ चलते हैं। इस दिन सुबह सुबह नवपत्रिका को स्नान करवाने के लिए और तीन कलश में जल लाने के लिए पास के ही नदी या तालाब में जाया जाता है। वहाँ से तीन कलश में जल लाकर दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के कलश को स्थापित किया जाता है। इस दिन कुछ प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया। मेरा नाम पार्थ कुमार महतो है और आज मैं आपको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुनाने जा रहा हूँ। आई गिरी नंदिनी नंदितमेदिनी विश्व विनोदन नंदन थे गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नटे भगवती येषिनी कंठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्ब भूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते कृष्ण तपन आदि जल मन जल भर समर पूर्ण कर पार्टिसिपेट करता देख मेरे अंदर का कलाकार भी जाग गया और मैंने भी थोड़ा डांस कर लिया। आइए अब अष्टमी के दिन को देखते हैं। सुबह अष्टमी का पूजा और लोगों का पुष्पांजलि के प्रति क्रेज तो जग जाहिर है, पर अभी हम संधि पूजा की तैयारी देखते हैं। हमारे कम्युनिटी के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ये सुंदर नक्काशी, जिसे आल्पोना कहते हैं, बनाया है। आइए अब आपको
ड्राइंग कंपटीशन में बच्चों द्वारा बनाया गया ड्राइंग्स दिखाते हैं। सामर्थ्य अनुसार बच्चों ने ये सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाया है। कुछ और कॉम्पिटिशन्स जो अष्टमी के रात को रखा गया था, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये साड़ी फोल्ड करने का कॉम्पिटिशन है। कम समय में जो अच्छे से साड़ी फोल्ड करेगा वो विजेता बनेगा। इतने में संधि पूजा का समय भी हो गया। संधि पूजा के समय 108 खिले हुए कमल पुष्पों से माँ की पूजा होती है। इस पूजा का विवरण रामायण में भी मिलता है। रावण वध से पहले श्री रामचंद्र ने आदि शक्ति की पूजा 108 कमल पुष्पों से किया था। संधि पूजा के समय महिलाएं 108 दिए भी जलाती हैं। इसी समय बलि का भी नियम है। क्योंकि हमारे यहाँ पशु बलि नहीं होता, इसलिए शिश कोहरा और गन्ना का बलि किया जाता है। बलि के बाद कटे हुए शिश कोहरे से 64 योगिनी की पूजा की जाती है। नवमी में पूजा समाप्त होने के बाद यज्ञ किया जाता है और उसके बाद चंडी पाठ किया जाता है। नवमी के दिन हमारे यहाँ भोग प्रसाद का व्यवस्था भी किया गया था। आइए अब दशमी के पूजा की आरती देखते हैं। पूजा के सभी विधियों का पालन करते हुए अब हम पूजा के समापन की तरफ आ गए हैं। अब हम कलश विसर्जन के लिए आ गए हैं। कलश विसर्जन के बाद विजयदशमी के शाम को हम अब मूर्तियों के विसर्जन के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब पृथ्वी लोक से उमा के जाने का दुख तो होता ही है, पर साथ ही साथ त्यौहार में मन भी आनंदित होता है। बंगाल का सिंदूर खेला तो विश्व प्रसिद्ध है ही, पर साथ में ढोल ताशा के धुन पर क्या बच्चे क्या जवान, क्या पुरुष क्या महिलाएं, सभी झूम उठे। धीरे धीरे हम निरंजन स्थल पर पहुंच गए। दामोदर नदी का घाट, ढोल के सुंदर धुन और प्रशासन द्वारा सुंदर व्यवस्था के बीच न जाने कितने मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। सबसे पहले एक एक कर सभी छोटी मूर्तियों को हमने नीचे उतार लिया। अब बारी था देवी दुर्गा के प्रतिमा का। हम सभी ने दुर्गा प्रतिमा को गाड़ी से उतार कर बड़े ही भारी मन के साथ धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ने लगे।
में भगवती का नाम जपते हुए और चारों ओर से दुर्गा माई की जय की आवाज के साथ हमने दुर्गा मूर्ति को विसर्जन किया। मन तो भारी था, पर अगले वर्ष उमा फिर से आएगी इसका आनंद भी था। तभी तो कहते हैं आश्चर्य बछर आबार होबे, आश्चर्य बछर आबार होबे। उसके बाद एक एक कर सभी छोटी मूर्तियों का भी विसर्जन कर दिया गया। इस माहौल में सभी बहुत एक्साइटेड थे, पर यही समय था धीरे धीरे सभी को पानी से बाहर निकालने का और घर वापसी का। आइए अब आपको दुर्गापुर के कुछ प्रमुख पूजा पंडालों का दर्शन करवाते हैं। ये है फुलझर का दुर्गा पंडाल। ये पूजा पंडाल है मार्कोनी का। इस पंडाल को मिट्टी के घरों से सजाया गया है। यह पंडाल है सिटी सेंटर के चतुरंगों का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।